और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 आरटीपीसीआर की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए जूझते हुए भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टेस्टिंग क्षमता अब तक 4,00,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर यह सर्वाधिक है, 4,00,000 टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई है, इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी। और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की इससे जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीएसएल लेवल 2 की जो हमारी आरटीपीसीआर लैब्स हैं ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों के हिसाब में हमारे वहां पर कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है, लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है और हम लोगों ने विगत 4-4.5 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा, शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल भी और टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनके हरेक गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक सीएससी ऐप का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4,600 से अधिक सीएससी पीएससी हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है, हम लोग वर्तमान में हरेक सीएससी पीएससी को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी मानित व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है, और जब व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए हमें एक बार बताइए, दूसरा वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है, ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है।